दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 24 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब भी हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो कई ऐसे अवसर आते हैं जो विशेष होते हैं और आज एक ऐसा अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान जब उन्होंने ये बात कही देश में जब उन्होंने इसकी चर्चा की विदेशों में तो लोग चौंके कि एक देश का प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा है इतने बड़े पैमाने पर इस समर्पित भाव से और आह्वान कर रहा है नागरिकों का कि अवसर आ गया है खड़े होइए उठिए सभी लोग एकजुट होइए और हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया। तो आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल है आपको ये बताना है कि ये उद्गार किसने और कब प्रकट किए। क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी माँ और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है। गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं जब तक अंधेरा नहीं उतरता है तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती। उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होगी। क्या हम अपनी माँ और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते। इस शोचनीय स्थिति के बारे में महिलाओं की जो है ये उद्गार किसने और कब प्रकट किए बताएं और जीते पुरस्कार। किसने और कब किए बताएं और जीते पुरस्कार बताएं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी कब 2014 में जम्मू और कश्मीर की नहीं ये आप थोड़ा मिस कर गई क्योंकि मैं पुरस्कार अनिता दे देता कि प्रधानमंत्री ने आपने कहा लेकिन यस बोलिए आप पक्का उत्तर है बोले 15 अगस्त क्या ठहरिए स्वतंत्रता दिवस तो आप पूरा उत्तर दीजिए आप भूल जाइए उन्होंने क्या कहा। ये उद्गार किसने प्रकट किए श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 तो पूरा बोलिए आप यूं शॉर्ट में नहीं ठीक है। शुभ नाम प्रिया कुमावत प्रिया के लिए तालियां जोरों से बजाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को ये उद्गार प्रकट किए अपनी वेदना का इन शब्दों में प्रकटीकरण किया। जब वो बात करते हैं युवाओं की और कहते हैं भविष्य भारत का है दुनिया में क्योंकि 65% लोग युवा हैं और 35 वर्ष से कम आयु के हैं इसलिए स्वर्णिम अवसर किसका है भारत का और उसके लिए योगदान करना होगा किसे युवाओं को और विशेष रूप से बच्चों को। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए जोरदार तरीके से।